देवभूमि में सियासत हो रही गर्म, बीजेपी का आरोप कांग्रेस कर रही गुमराह, नेता प्रतिपक्ष के बयान से खुली पोल, उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं के दल बदलने का सिलसिला और उस पर हो रही बयानबाजी का दौर अभी भी जारी है। कांग्रेस पार्टी के कई नेता बीजेपी के विधायक और मंत्रियों के संपर्क होने के दावे करते रहे हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कयासों पर विराम लगाते हुए कहा कि बीजेपी का कोई भी विधायक या मंत्री उनके संपर्क में नहीं है। तो मुझे जानकारी नहीं, मैं क्या जवाब दूं? मैं तो कह चुका हूं कि मेरे संपर्क में कोई नहीं है। जब मेरे संपर्क में कोई नहीं तो फिर मैं आपकी बात का क्या जवाब दूं? कांग्रेस नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह के इस बयान के बाद प्रदेश में एक बार फिर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। बीजेपी अब कांग्रेस पर हमलावर है। नहीं, हमने तो ये बात पहले ही कह दी थी कि बीजेपी का कोई भी पदाधिकारी या विधायक कहीं कहीं से कहीं तक हिलने वाला नहीं है। डूबते जहाज में बैठना कोई पसंद नहीं करेगा, ऐसा हरक सिंह रावत जी ने खुद कहा। उत्तराखंड के राजनीतिक इतिहास में चुनाव से पहले नेताओं के दल बदलने की सिलसिले को अब तक कोई नहीं रोक पाया, लेकिन जिस प्रकार से नेता प्रतिपक्ष ने अपने हाथ खड़े कर दिए उससे बीजेपी जरूर खुश नजर आ रही है। देहरादून से अभय केंदुरा की रिपोर्ट।